क्लासेस में आपका स्वागत है अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है scale, है स्केल, ना? तो वाला जो है, आज अपन है, है तो जो सबसे पहले प्रकार का जो स्केल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे पहले प्रकार का स्केल कौन सा है आपका वो है आपका प्लेन स्केल साधारण स्केल प्लेन वाला ठीक है ना प्लेन स्केल के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे इसके लिए मैंने एक आपके एक एग्जांपल लिया है पहले आप एग्जांपल को समझ लीजिए है।, है ना कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ वन रेशो फोर टू शो सेंटीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू फाइव डेसीमीटर ऐसे कहना चाह रहा है कि एक स्केल का निर्माण करो है ना किसी किस, किस अनुपात में हो जो एक चार में मतलब आपको आर दे रखी है एक चार। ठीक है करो भाई इसलिए करो टू शो दर्शाने के लिए सेंटीमीटर क्या दर्शाने के लिए सेंटीमीटर और और वह और वह मतलब वह लॉन्ग इनफ़ मतलब उसकी जो अधिकतम जो उसकी लंबाई है लॉन्ग इनफ़ टू मेजर अप टू फाइव डेसीमीटर और अधिक से अधिक कितना नापना चाहिए आपका पांच डेसीमीटर कुल मिलाकर के ये ऐसे कहना चाह रहा है कि एक ऐसे स्केल का निर्माण करो जिसकी सहायता से जिसके लिए आर एफ का मान तो कितना है एक एक अनुपात चार है ना और उसकी सहायता से आप ज्यादा से ज्यादा कितना नाप पाओगे पांच डेसीमीटर ठीक है ये आपका है और इसके अंदर एक चीज और कर लो एंड शो थ्री पॉइंट फाइव और तीन दशमलव पांच डेसीमीटर आपको स्केल में दिखानी भी है ठीक है, तो इसको अपन करते हैं स्टार्ट इसका सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से होगा देखिए सबसे पहले तो मेरे को ये पता लगा कि भाई आर दे रखी है, ठीक है बहुत अच्छी बात है इसमें मेरे पास में दो डिविजन है एक तो क्या है सेंटीमीटर और एक क्या है आपका डेसीमीटर है ना तो डेसीमीटर और सेंटीमीटर दो चीजें आ गई ना दो मापे आ गई तो दो को दर्शाने के लिए अपने को क्या कौन सा वाला स्केल बनाना पड़ता है प्लेन स्केल दो के लिए कौन सा दर्शाना पड़ता है प्लेन स्केल और आप यहां से भी देख सकते हो थ्री पॉइंट फाइव डेसीमीटर इसका मतलब क्या हुआ तीन तो क्या है डेसीमीटर और पांच क्या है आपका सेंटीमीटर मैंने देखो आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके से कि भाई दस एम एम में कितना होता है एक सेंटीमीटर फिर 10 सेंटीमीटर में कितना होता है एक डेसीमीटर 10 डेसीमीटर में कितना होता है एक आपका मीटर इस तरीके से 10 10 का रेशो चलता है आपका ठीक तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपने को स्केल बनाना है तो सबसे पहली चीज आपकी यही आ जाएगी कि लेंथ ऑफ स्केल स्केल की लेंथ कितनी आएगी और इसके लिए ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला आपका ये है RF. RF मतलब फ्रैक्शन इस RF को आपको गुणा करना पड़ेगा किससे मैक्सिमम लेंथ से मैक्सिमम लेंथ से ठीक है तो यहां पे आपको आर एफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी अलग से क्यों क्योंकि आपको क्वेश्चन में पहले ही दे रखे है? कितना है आर एफ आपका आर आपको देख रखे कितना साइड में देखते हैं वन रेशो फोर और वन रेशो फोर को मैं क्या लिख सकता हूं एक बटे चार ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया तो आर तो हो गया मेरा एक बटे चार और मैक्सिमम लेंथ अधिकतम कितनी नपवा रहा है आपसे कितना मेजर करवा रहा है ज्यादा से ज्यादा अप टू फाइव डेसीमीटर फाइव डी एम डेसीमीटर हो गया और आपको पता है कि अपना जो स्केल काम कर रहा है अपन तो सेंटीमीटर में लेते हैं सारी की सारी नापें तो अपन क्या करेंगे इसको अपन इसको ये करेंगे कि एक बटे चार तो है ही गुणा पाँच भाई डेसीमीटर को किस में चेंज कर लूँगा मैं सेंटीमीटर में तो एक डेसीमीटर में कितना होता है देखो दस सेंटीमीटर तो मैं इसको कितने से गुणा कर दूंगा दस से ठीक है और जब मैं इसको हल करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा पचास में चार का भाग तो पचास का चौथा हिस्सा आपका होता है 12.5 सेंटीमीटर तो आप जो स्केल बनाओगे उस स्केल की लेंथ लंबाई कितनी आई आपकी 12.5 सेंटीमीटर गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूँ यहाँ पे चूंकि सवाल में मेरे को सीधा-सीधा डायरेक्टली आरएफ दे दिया है तो मैंने इसको सेम टू सेम यूज कर लिया अगर ये मेरे को सीधा-सीधा आरएफ नहीं देता तो मैं जो मेरा फार्मूला है ना लेंथ ऑन ड्राइंग आरएफ वाला जो फार्मूला है ठीक है वस्तु की ड्राइंग पर माप और वस्तु की वास्तविक माप वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की सहायता से आर एफ निकालता पहले और फिर यहां से स्टार्ट होता है मेरा क्वेश्चन अब इसके बाद में नेक्स्ट ड्राइंग का, का काम क्या है वो देखिए आप मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो पांच डेसीमीटर तक दिया ना आपको ये है ना 5 डेसीमीटर तक अधिकतम न पा रहे आपसे आपकी लेंथ बारह सेंटीमीटर आप क्या बारह लाइन कितने की? 12 की ठीक है और इसको ऊपर की तरफ आप बढ़ा दो एक सेंटीमीटर या दो सेंटीमीटर जितना भी आपका, आपका मन करे इसके लिए कोई बाउंडिंग नहीं है आपकी और एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लीजिए इस तरीके से कर लिया रेक्टेंगल कंप्लीट ये जो बारह दशमलव पांच सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ स्केल जो आपकी आई है इसको आप पांच भागों में बांटो कितने में बांटो पांच में पांच में ही क्यों बंटवा रहा हूं मैं क्योंकि क्या लिखा हुआ है मेजर अप टू डेसीमीटर अधिकतम कितने कितने तक आपसे डेसीमीटर तक अगर ये आठ तक होता नौ तक होता तो उस हिसाब से मैं इसके कितने भाग करता आठ या नौ करता लेकिन फिलहाल कितना है पांच भाग है मैं इस बारह दशमलव पाँच सेंटीमीटर की जो रेखा है इसके कितने भाग कर लूंगा पांच भाग कर लूंगा और वो पांच भाग में कैसे करूंगा ऐसे नहीं करूंगा कि बारह दशमलव पांच के अंदर भाग दे दूंगा कितने का पांच का इस तरीके से नहीं करूंगा ड्राइंग के तरीके से करेंगे तो ड्राइंग में किसी भी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए एक तरीका होता है और वो तरीका ये है आपका मैं साइड में डिस्कस करता हूं जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई एक रेखा है ये रेखा है ए बी इस रेखा को मुझे बराबर बराबर छह भागों में बांटना है तो मैं क्या करूंगा पहले तो एक न्यून कोण बनाऊंगा

फोन जैसे ये कोई भी एक रेखा है ए बी है ना इस ए बी रेखा को आपको क्या करना है इक्वल भागों में बांटना है पांच में छह में दस में कितने में भी आप क्या करो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीधी रेखा एक न्यून कोण के ऊपर एक रेखा खेच दीजिए खेच दी अब इस रेखा में कि आप एक चाप ल, चाप भर लीजिए जो भी आपको अच्छी लगे चाप जैसे मालूम मैंने ये एक चाप भर ली प्रकार के अंदर कंपास में भर के और आपको जितने इस रेखा के बराबर भाग चाहिए ना उतने इस रेखा के भाग कर दो जैसे मेरे को चाहिए एक दो तीन चार पांच जैसे मान लो पांचवा भाग मेरा यहां तक आ रहा है इस तरीके से मैंने पांच कट लगा दिए हो गई पांच भाग ठीक है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कोई लड़का बोले कि साहब मैं तो चाप इतनी बड़ी लूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप चाहे चाप कितनी छोटी लीजिए बड़ी लीजिए कुछ भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके इक्वल पार्ट से होंगे आपके फिर क्या करोगे आप ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ना भी सहायता से सहायता से, मिल गया। मिल गया? समांतर, समांतर, से? से आप इस रेखा के समांतर समांतर इन पॉइंट्स के ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर सीधी सीधी रेखाएं खींच दीजिए इस तरीके से तो इसके समांतर ये इधर आ गई इधर आ गई ठीक है तो ये जो है ना आपके वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव आपके इक्वल पार्ट्स आपको मिल जाएंगे ये तरीका है ड्राइंग के अंदर किसी भी रेखा के इक्वल पार्ट्स करने का ठीक है चलिए अब यहां पे आता है सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा इसी के भाग करता हूं मैं ठीक अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आप इधर से न्यून कौन बनाओ चाहे इधर से बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो जैसे आप इसके इक्वल पार्ट्स कर लोगे तो किस तरीके से करोगे इक्वल पार्ट्स इसके इसमें यहीं यहां से कर देता हूं ठीक है और पांच भाग करने वो तरीका है चापली पांच कट लगाए वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फिर क्या करूंगा इन पॉइंट इनको सबसे पहले तो लास्ट वाले को भी मिला दूंगा फिर बाकी की बाकी के जो पॉइंट है समांतर समांतर जो मैंने तरीका बताया है ना उधर की तरफ वो उस तरीके से ठीक है इस तरीके से मैंने इसकी कितने भाग कर लिए एक दो तीन चार पांच पांच भाग मैंने कर लिए अब ध्यान दो स्टार्टिंग के अंदर इधर से लेफ्ट की तरफ से जो पहला भाग है ना इसको आप जीरो अंकित करोगे कितना करोगे जीरो ठीक है ये ये फिक्स है फिर उसके बाद में एक दो तीन और चार भाई जो भी आपकी काउंटिंग है तो देखो एक भाग तो ये हो गया और ये कितने भाग हो गए जीरो के इधर की तरफ चार भाग ये तो टोटल कितने हो गए पांच तो हो गए ना इसके इक्वल पांच भाग अब इनको आप क्या करो ऊपर की तरफ ही मिला लो ठीक है अच्छा जी। अब इसके बाद में ये जो जीरो के राइट की तरफ जो है आपका जीरो के राइट की तरफ मतलब इधर की तरफ जो है आपका ये आपका दर्शाएगा किसको बड़ी माप को तो so, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में बड़ी माप क्या होती है आपकी डेसीमीटर तो so, इधर की तरफ आपका हो गया क्या डेसीमीटर ठीक है अच्छा जी अब उसके बाद में आप क्या अब नेक्स्ट क्या करोगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग का जो आपका खाना है ना इसको देखो स्टार्टिंग इस वाला जो है आप ये इतना हो गया उसके बाद में मैं क्या करूंगी जो आपका स्टार्टिंग का जो पहला जो खाना है ना इस पहले खाने पे अपन क्या करेंगे कि फिर से इस पहले खाने का केवल और केवल यहां से और यहां तक की लंबाई का हो दोबारा से मैं इक्वल पार्ट्स में बांट दूंगा तो इक्वल पार्ट्स में बांटने का मेरा वही तरीका है एक न्यून कोण खेचा और एक चाप ले ली चाप लेकर के बराबर बराबर निशान मैंने लगा लिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस अब की बार में दस भाग लगाऊंगा क्यों लगाऊंगा क्योंकि ये मेरा एक हिस्सा डेसीमीटर है ना और एक डेसीमीटर में कितने होते हैं देखिए आप उधर दस सेंटीमीटर तो मैं इसके दस भाग करूंगा ठीक है अब वही पहले वाला तरीका लास्ट वाले भाग को मैं लास्ट से मिला दूंगा और बाकी के जितने भी पॉइंट है उनको वही पहले की तरह है सबको सेम टू तो सेम क्या करूंगा मैं इस तरीके से इक्वल इक्वल जो तरीका है मेरा इस तरीके से आपकी मैं सभी पॉइंट्स को मिला दूंगा ठीक है ये मेरे बराबर के दस भाग आ गए जीरो के इधर की तरफ लिखने का तरीका ध्यान जीरो के इधर की तरफ मैं लिखूंगा जीरो के बाद में जैसे वन है ये टू है ये थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है नाइन है ठीक है टेन तक मतलब नाइन तक टोटल दस भाग है ना तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो नाइन तक आएगा लास्ट भाग नाइन आ गया और जैसे बीच में कहीं पे ये जीरो था फिर वन था टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से लिख देंगे अच्छा जी और इनको अपन ऊपर की तरफ वर्टिकल लंबे डिग्री पे इस तरीके से छोटे छोटे इसे कर देंगे ठीक है ये इस तरीके से भाग हो गए आपके अब आप ये आपका स्केल बन के तैयार हो गया और यहाँ पे आप लिख दोगे क्या आप लिख दोगे RF कितना है आपका एक अनुपात चार है और ये तो आपका स्केल पूरा पूरा तैयार हो गया स्केल तैयार होने के बाद में अब आपका जो मेन काम वो क्या है एंड शो 3.5 डेसीमीटर इस पैमाने के ऊपर आपको कितना दिखाना है तीन डेसीमीटर दिखाना है तो तीन डेसीमीटर का मतलब क्या हुआ इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई तीन तो पूरे पूरे क्या है डेसीमीटर और पांच क्या है पॉइंट पांच क्या है आपके सेंटीमीटर तो आप क्या करोगे डेसीमीटर के लिए तो इधर की तरफ से और इधर की तरफ ये जो अभी दस हिस्से किए ये है आपके किस चीज के सेंटीमीटर के हैं तो तीन तो डेसीमीटर तो जीरो से एक दो और तीन एक लाइन तो ऊपर की तरफ यहां इसके सीध में खेच दो यहां पे जैसे ठीक है और सेंटीमीटर कितने हैं पांच पांच है तो मतलब एकदम मिडिल वाली जो लाइन है आपकी वन टू थ्री फोर जो भी मिडिल वाली लाइन है ना जैसे ये है मिडिल की लाइन मान लो तो मिडिल मिडिल वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर की तरफ एक ये रेखा ऐसे खेची और इसको मिला देंगे यू ठीक है और यहां पे मैं लिख दूंगा कितना यहां पे लिख दूंगा मैं थ्री पॉइंट फाइव डीएम था तो ये देखिए है ना तीन पॉइंट पांच ना देखो जीरो से उधर की तरफ तीन तो आ गया और दशमलव पांच जो था सेंटीमीटर का वो इधर की तरफ आ गया मेरा मेरा तो ये कंप्लीट एक प्रॉब्लम हो गई किसके ऊपर प्लेन स्केल के ऊपर ठीक है अच्छा जी ओके गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो कमेंट करो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल बटन को दबाना न भूले